तो गाइस कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा कि रॉटविलर्स को पुलिस आर्मी फोर्सेस वगैरह में काफी ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब ज्यादातर कंट्रीज और फोर्सेस पुलिस वगैरह रॉटविलर्स से ज्यादा जर्मन शेफर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको इसका रीजन पता है कि आखिर क्यों जर्मन शेफर्ड्स को पुलिस और आर्मी वगैरह में रॉटविलर से ज्यादा यूज किया जाता है? ऐसा नहीं है कि रॉटविलर को अब बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता है, अभी भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, लेकिन जर्मन शेफर्ड्स को ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता लगने वाली हैं और आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मन शेफर्ड को पुलिस वगैरह रॉटविलर से ज्यादा यूज करती है, इसके कुछ रीजंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इनके नेचर के बारे में है, मतलब रॉटविलर का जो नेचर है और जर्मन शेफर्ड का जो नेचर है वो दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एंड जर्मन शेफर्ड का जो नेचर है वही पुलिस में ज्यादा काम आता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो जैसे अगर आपने एक रॉटविलर को बोला कि जाओ उस चोर को पकड़ के लाओ, मतलब उस चोर को बाइट करो, तो रॉटविलर जाएगा तो उसे पकड़ने, लेकिन बीच बीच में वो रुक के आपकी तरफ देखेगा कि पहले आप सेफ हो या नहीं सेफ हो। तो ये रॉटविलर का जो है नेचर होता है, मतलब अगर आपने उसे बोला कि जाओ उस चोर को पकड़ के लाओ, तो बार बार वो बीच बीच में रुक के आपको आपकी तरफ देखेगा कि आप सेफ हो कि नहीं, तभी वो आगे बढ़ेगा। भाई तब तक तो चोर भाग भी जाएगा। लेकिन अगर आपने जर्मन शेफर्ड को यही काम बोला कि जाओ उस चोर को पकड़ो, तो जर्मन शेफर्ड चाहे कुछ भी हो जाए उसको वो करके ही आएगा। तो जर्मन शेफर्ड जब तक वो काम नहीं होगा वो रुकेगा ही नहीं। जर्मन शेफर्ड का यही नेचर होता है कि एक बार ओनर ने कमांड दे दिया तो दे दिया, उसके बाद वो नहीं रुकने वाला। जब तक कमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक डॉग रुकेगा नहीं। तो यही चीज चाहिए होती है पुलिस वर्क में भी। दूसरी चीज स्पीड। जर्मन शेफर्ड जो होते हैं यार वो पतले होते हैं, एथलेटिक होते हैं, तो जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और फुर्तीले होते हैं, और पुलिस में एक फास्ट और फुर्तीले डॉग की जरूरत होती है, इसलिए जर्मन शेफर्ड को यूज किया जाता है। क्योंकि यार आप जानते ही हो पुलिस में उछल कूद करना या फिर इधर उधर कूदना, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करना, इन सब में यार बहुत ज़्यादा एजिलिटी की जरूरत होती है, फुर्तीले डॉग की जरूरत होती है यार, आप समझते हो ना इस बात को। चोर वोर को पकड़ना, काफी सारे काम होते हैं यार पुलिस में जिसमें फुर्ती की जरूरत होती है, तेज डॉग की जरूरत है, इसलिए जर्मन शेफर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है रॉटविलर से। तीसरी चीज एंड्योरेंस और स्टेमिना। जर्मन शेफर्ड क्योंकि वो हल्के होते हैं, पतले होते हैं, एथलेटिक होते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा स्टेमिना भी होता है। जर्मन शेफर्ड जो है वो रॉटविलर से ज्यादा काम कर सकते हैं, और पुलिस में तो आप समझते हो यार कितने कितने घंटों का काम होता है। इन पुलिस डॉग्स को काफी ज्यादा काम करवाया जाता है, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है, मतलब 5 से 6 घंटे तो हर दिन मानो ही मानो, इसीलिए यार ऐसा डॉग चाहिए जो काफी ज्यादा उसमें स्टेमिना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगला रीजन ये है कि रॉटविलर जो होते हैं उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका शॉर्ट मजल होता है, उनका जो मजल होता है सामने का जो मुंह होता है वो छोटा सा होता है और दबा हुआ होता है, इसीलिए उनको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर उनसे ज्यादा काम कराया जाए। लेकिन जर्मन शेफर्ड का जो आगे वाला मुंह होता है आप देखेंगे वो निकला हुआ होता है, उनका मजल जो होता है वो लंबा होता है, इसलिए वो सांस ज्यादा अच्छे से ले पाते हैं। एक और चीज है कि जर्मन शेफर्ड में एथलेटिज्म ज्यादा होता है, मतलब यार जर्मन शेफर्ड ज्यादा कूद फांद सकते हैं, पुलिस वर्क में ज्यादा कूदने वूदने की जरूरत होती है, कभी कभी किसी चीज पे चढ़ने की जरूरत होती है, स्टंट्स करने होते हैं यार डॉग्स को, किसी चीज पे चढ़ना होता है, दीवारों पे चढ़ना होता है, उछल कूद बहुत होती है यार पुलिस वर्क में, और जर्मन शेफर्ड क्योंकि वो रॉटविलर से ज्यादा एथलेटिक होते हैं तो वो बेटर सूट करते हैं पुलिस वर्क के लिए। अच्छा अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है स्मेलिंग पावर। जर्मन शेफर्ड की जो स्मेलिंग पावर होती है वो रॉटविलर से काफी ज्यादा होती है, मतलब अगर आप सर्च करेंगे
टॉप 10 डॉग ब्रीड्स विथ बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल, मतलब टॉप 10 डॉग ब्रीड्स जिनके सूंघने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, तो उसमें जर्मन शेफर्ड नंबर 4th पे है और रॉटविलर टॉप 10 में भी नहीं है। मतलब जर्मन शेफर्ड की जो सूंघने की क्षमता है वो रॉटविलर से काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हो पुलिस वर्क में सूंघने वगैरह का काम कितना ज़्यादा होता है, मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ना, छुपे हुए चीज़ को ढूंढना, तो इन सब चीज़ों में सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा काम आती है डॉग्स की। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना रॉटविलर के मुकाबले थोड़ा सा इजी होता है, इजीली ओबे करते हैं कमांड्स को। और जर्मन शेफर्ड यार ऑल वेदर डॉग होते हैं, मतलब ना उनको गर्मी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना उन्हें ठंडी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रॉटविलर को ठंड से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यार पुलिस में ना ऐसा डॉग चाहिए जो हर वेदर में अच्छे से काम कर सके। और जर्मन शेफर्ड ऑल वेदर डॉग होते हैं और जर्मन शेफर्ड यार ऑल राउंडर डॉग होते हैं, मतलब आप इनसे सूंघने से लेके अटैक से लेके मतलब ढूंढने से लेके कुछ भी इनसे करवा लीजिए ये इजीली कर लेते हैं, ये हर चीज़ कर सकते हैं और इसीलिए इनको ऑल राउंडर डॉग कहा जाता है। देखिए गाइज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि रॉटविलर अच्छा डॉग नहीं है, मेरे को खुद रॉटविलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गाइज पुलिस वर्क के लिए ये तो भाई सच ही है ना कि जर्मन शेफर्ड रॉटविलर से ज़्यादा बेहतर हैं। अब ऐसा नहीं है कि रॉटविलर बेकार है, मुझे भी बहुत पसंद है गाइज, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ये हर डॉग में अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। रॉटविलर काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है लेकिन पुलिस वर्क के लिए जर्मन शेफर्ड थोड़ा बेहतर है। तो गाइज यही थी हमारी वीडियो कि क्यों जर्मन शेफर्ड्स को रॉटविलर से ज़्यादा पुलिस में यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, यूज़र नेम है कैनाइन वर्ल्ड हिंदी और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।